नमः शिवाय। अथ सोमवार कथा। एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसका कोई पुत्र ना था। वह इस चिंता में रहता और वह पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को मंदिर में जाकर शिवजी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि वह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसे करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज जब ये आपका भक्त है और इसे किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देख शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था, इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसे केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगे, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा, उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में से किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इसे ढकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाएं, फिर उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा ढकाव पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसलिए लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में हम बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत कुछ अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए।
जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब इस प्रकार का यज्ञ करते हुए लड़का व उसके मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके भी सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही सोमवार व्रत की कथा समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।